हेलो एवरीवन, दिस इज धनश्री चौगले एंड यू आर वाचिंग गंगा एजुकेशन. वेलकम बैक टू माय चैनल. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेशन एंड इसेंशियल ऑफ वैलिड सेल ऑफ गुड्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. इन लास्ट टू वीडियोज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्रिलिमिनरी चैप्टर, दैट इज चैप्टर वन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. इन दैट सेक्शन वन एंड सेक्शन टू एंड थ्री ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड. सो नाउ from section 4 and onwards we will discuss in this video. I will provide the link of both those videos in description box. Go through it. Before moving further, I would like to request you, please subscribe my channel and like my videos if you really like it. So let's get started now. This is chapter number 2 of the Sale of Goods Act 1930, that is formation of contract, section 4, sale and agreement to sale. Subsection 1, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for the price. There may be a contract of sale between one part owner and another. Means the definition of contract of sale is given under section 4, subsection 1. That is, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for the price. अगर हम ये सेक्शन तोड़ के पढ़ेंगे तो हमें पूरे इसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो मिल जाएंगे. जैसे अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर. इट मीन्स कि सेलर ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर रहा है या इन फ्यूचर ट्रांसफ़र करेगा द प्रॉपर्टी इन गुड्स. क्या ट्रांसफ़र करेगा? तो प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब गुड्स ट्रांसफ़र करेगा. प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करेगा टू द बायर. किसे ट्रांसफ़र करेगा? इट मीन्स टू द बायर, बायर को ट्रांसफ़र करेगा. फॉर वॉट? फॉर अ प्राइज, मतलब उसका मनी कंसिड्रेशन प्राइज उसका मिलना चाहिए. मुफ्त में नहीं दे रहा, अगर मुफ्त में दे रहा तो वो गिफ्ट कंसिडर किया जाएगा. कुछ कीमत के लिए वो ट्रांसफ़र कर रहा है. देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनादर. इफ़ द थिंग इज़ ओन्ड बाय मेनी पर्सन्स, राइट, मतलब एक चीज़ के लिए दो चार मालिक है, उसके ओनर उसके है, तो पार्ट ओनर मतलब उस चीज़ में जो भी एक हकदार है वो किसी और को अपना पार्ट भी बेच सकता है, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. फर्स्ट इसेंशियल इन्ग्रीडियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. अ सेल हैज़ टू बी बायलेटरल बिकॉज द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ टू पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर. इट्स फर्स्ट इसेंशियल, देयरफॉर इज दैट द सेलर एंड बायर मस्ट बी डिफरेंट पर्सन. अ पर्सन कैनॉट बाय हिज ओन गुड्स. बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वॉट? टू पार्टीज मस्ट बी देयर, फर्स्टली अ सेलर एंड अनादर इज बायर. क्योंकि एक पर्सन खुद की चीज़ें खुद को ही बेच नहीं सकता है इन सेम कैरेक्टर. इट मीन्स कि दो पार्टीज होना बहुत ज़रूरी है, एक होता है सेलर और दूसरा होता है बायर. क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो एक पर्सन से दूसरी पर्सन को ट्रांसफ़र होगी, तभी ये सेल कहा जाएगा. नाउ आई सेड दैट अ पर्सन कैनॉट ट्रांसफ़र हिज ओन प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ इन सेम कैरेक्टर. मतलब अगर सेलर है तो वो खुद पर्सन बायर नहीं बन सकता है इन द सेम कैरेक्टर, मतलब सेलर के कैरेक्टर में. बट अगर पर्सन है एक ट्रस्टी और ट्रस्टी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी अगर बेची जाने वाली है तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेंशन अंडर लॉ एज वेल एज इन देयर कॉन्ट्रैक्ट. अगर ट्रस्टी बींग ट्रस्टी अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है और खुद इंडिविजुअली वो प्रॉपर्टी अगर परचेस करना चाहता है तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर में है. मतलब ट्रस्टी के कैरेक्टर में जब होता है तब वो बींग ट्रस्टी वो प्रॉपर्टी बेच रहा है और इंडिविजुअली वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो ये वैलिड रहेगा. लेकिन अगर वहाँ पे कोई लॉ
या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं वो ट्रस्ट के, तो इस हिसाब से अगर रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि ट्रस्टी खुद ट्रस्ट की प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं रहेगा। मतलब एटलीस्ट दो पार्टी होना ज़रूरी है, दैट इज़ सेलर एंड बायर, दैट इज़ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इसेंशियल, दैट इज़ गुड्स। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है तो उसमें कौन सी चीज़ बेची जाने वाली है, दैट इज़ गुड्स, गुड्स बेचे जाने वाले। तो गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट गुड्स में हम अगर उसके टाइप्स देखेंगे तो फर्स्ट है एग्जिस्टिंग गुड्स। देयर आर द गुड्स विच आर ओन्ड एंड पजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। ओनली एग्जिस्टिंग गुड्स कैन बी सब्जेक्ट ऑफ सेल। द एग्जिस्टिंग गुड्स मे बी स्पेसिफिक गुड्स मेंशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो गुड्स ऑलरेडी बने हुए हैं वही गुड्स सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट बन सकते हैं। फ्यूचर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। मतलब जो चीज़ एग्जिस्टेंस में है उसी को बेची खरीदी जाने वाले ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। फ्यूचर गुड्स में है तो वो होगा अग्रीमेंट टू सेल। जब वो गुड्स बनेंगे तब हम बेचेंगे, दैट विल बी अग्रीमेंट टू सेल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर करना है तो गुड्स मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। अगेन एग्जिस्टिंग गुड्स के कुछ पार्ट है, टाइप्स है, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। फर्स्ट टाइप है स्पेसिफिक गुड्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लास्ट वीडियोज़ में आपको वो डेफिनेशन क्लॉज में देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। आप वो भी वीडियो देखेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिक गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइन है। देयर आर गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना है तब वो गुड्स आइडेंटिफाइड किए हुए थे और अग्रीड अपॉन कि ये गुड्स जो एग्जिस्टिंग गुड्स है वही सेपरेट करके यही बेचे जाएंगे, जिसे एग्रीमेंट हुआ है। तो दैट इज स्पेसिफिक गुड्स विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। स्पेसिफिक गुड्स के भी टाइप्स है, दैट इज असर्टन गुड्स एंड अनअसर्टन गुड्स। असर्टन गुड्स दीज आर गुड्स विच बिकम असर्टन सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेल। असर्टन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के पश्चात तुरंत वो गुड्स क्या होते हैं डिफरेंट अलॉट में से निकाले जाते हैं, लॉट में से निकाले जाते हैं, दैट इज असर्टन गुड्स। एंड अनअसर्टन गुड्स आर दोज गुड्स, दीज आर गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब ये गुड्स एग्जिस्टेंस में तो होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब बना हुआ है तब वो गुड्स आइडेंटिफाइड या अग्रीड अपॉन नहीं होते हैं। जैसे हम एक शॉप पे जाते हैं जहाँ पे ऑनियन एंड पोटैटोज रखे हुए होते हैं, तो पोटैटोज हम देखते हैं कि यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के पोटैटोज है, तो हम उनको भाव पूछते हैं कि कैसे देंगे आप ये, तो वो बताते हैं कि 20 रुपये केजी के हिसाब से आपको पोटैटोज मिलेंगे, तो हम अग्री होते कि चलो हम यहाँ से पोटैटो परचेस करने वाले हैं। गुड्स तो एग्जिस्टेंस में है, स्पेसिफिक है, लेकिन वो अनअसर्टन गुड्स है। मतलब उसे उस लॉट में से हमने लगभग एक केजी होने तक पोटैटोज हमने सॉर्ट करने हैं, अलग करने हैं, छाटने हैं, तभी जाके वो जो सेलर है वो उसको तोल के हमें बेच सकता है। तो जब ये अनअसर्टन गुड्स है उसे हम असर्टन करते हैं, मतलब आइडेंटिफाइड करते हैं, अग्रीड होते हैं कि यही लॉट में से हमें चाहिए, तब वो क्या होता है असर्टन गुड्स होंगे और दैट विल बी अ सब्जेक्ट ऑफ सेल। अनअसर्टन गुड्स बेचा नहीं जा सकता है जब तक कि वो असर्टन नहीं होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। नेक्स्ट है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स दीज आर द गुड्स विच द सेलर डज नॉट पजेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट विच विल बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय हिम आफ्टर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि फ्यूचर गुड्स कौन से है। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है तब ये गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं, बट इन फ्यूचर ये गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और अक्वायर किए जा सकते हैं बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। द वर्ड की वर्ड इज मैप, मैन्युफैक्चर्ड, एम फॉर मैन्युफैक्चर्ड, ए फॉर एक्वायर्ड एंड पी फॉर प्रोड्यूस्ड, तो दैट इज मैन्युफैक्चर्ड, एक्वायर्ड एंड प्रोड्यूस्ड।
तो ये जब मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस होंगे, एक्वायर होंगे, तभी इन्हें बेचा जा सकता है, दैट इज़ फ्यूचर गुड्स। नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंट गुड्स, विच इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 6 ऑफ सबसेक्शन 2। ऊपर जो फ्यूचर गुड्स दिए हुए हैं उसमें सेक्शन 2 था और सबसेक्शन 6 था, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, सेक्शन 6 है और सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या है। कॉन्टिंजेंट गुड्स, दीज आर द गुड्स एक्विजिशन ऑफ विच बाय सेलर डिपेंड्स अपॉन कॉन्टिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। मतलब ये गुड्स एक्वायर करना एक ऐसी कॉन्टिंजेंसी पे डिपेंड है जो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। इन केस हमें 3 महीने बाद जो भी गेहूं की फसल उगने वाली है वो गेहूं हमें खरीदने हैं, तो सेलर क्या करेगा, वो गुड्स कब अक्वायर करेगा, 3 महीने बाद, जबकि उसका प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, बारिश आएगी कि नहीं, या कोई अगर बंदर या कोई चिड़िया अगर खेत ख़राब कर रही है तो वो गुड्स नहीं मिलने वाले, गेहूं नहीं मिलने वाला है अच्छे से, तो वो कॉन्टिंजेंसी पे डिपेंड है। कॉन्टिंजेंसी क्या है, बारिश होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर डिपेंड है गेहूं बनेंगे या नहीं बनेंगे, अगर बनते हैं तो बेचे जा सकते हैं, नहीं बनते तो नहीं बेचे जा सकते, दैट इज़ कॉन्टिंजेंट गुड्स, क्योंकि सेलर उसे एक्वायर करना किसके ऊपर डिपेंड होता है, कॉन्टिंजेंसीज पे, जो हो भी सकती है चीज़ या नहीं भी हो सकती, दैट इज़ कॉन्टिंजेंट गुड्स। नेक्स्ट इसेंशियल इन्ग्रीडियंट है दैट इज़ मनी कंसिड्रेशन, प्राइज इट मस्ट बी मनी। वेन गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स देन इट इज़ कॉल्ड एज एन एक्सचेंज और बार्टर, देर इज़ हाउएवर नथिंग टू प्रिवेंट द कंसिड्रेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन गुड्स। हमने डेफिनेशन क्लॉज में प्राइज ये चीज़ के बारे में पढ़ा है, डेफिनेशन उसकी पढ़ी है कि गुड्स बेचे जाने पर मनी कंसिड्रेशन जो मिलता है उसे प्राइज कहा जाता है, तो मनी कंसिड्रेशन एक इसेंशियल इन्ग्रीडियंट है सेल ऑफ गुड्स का, प्राइज होना ज़रूरी है, मनी कंसिड्रेशन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम बेचते हैं उसके ऊपर जो भी मनी कंसिड्रेशन मिलेगा उसे कंसिडर किया जाएगा प्राइज से। अगर चीज़ों के बदले में चीज़ें मिलती हैं, मतलब अगर हमने मोबाइल दिया और उसके बदले में हमने दूसरा मोबाइल लिया या कोई और चीज़ ली, फ़ैन लिया, कुछ भी लिया, तो हमने क्या किया है, एक्सचेंज किया है, ओनरशिप ऑफ वन थिंग इज एक्सचेंज्ड विद द ओनरशिप ऑन अनादर थिंग, तो ये सेल ऑफ गुड्स में नहीं बैठता है। तो अगर सेल ऑफ गुड्स का इसेंशियल इन्ग्रीडियंट क्या होना चाहिए, क्या होता है, मनी कंसिड्रेशन की प्राइज मिलनी ज़रूरी है, चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज या बार्टर कहा जाता है, तो ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अगेन एक और चीज़ भी बताई गई है कि हम पार्टली मनी एंड पार्टली गुड्स भी दे सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, नया मोबाइल परचेस करना है तो वहाँ पे एक ऑफ़र होता है बाय बैक करना, एक्सचेंज करना मोबाइल का, तो हम क्या करते हैं, अगर 20,000 का मोबाइल लेना है हम अपना पुराना मोबाइल वहाँ पे दे देते हैं एक्सचेंज करने के लिए, तो उसकी कीमत 3,000-4,000 लगाई जाती है और वो मोबाइल वो ओनर ले लेता है, शॉपकीपर ले लेता है, और उसके बदले में हमें मोबाइल दिया जाता है और जो भी बची हुई पेड अमाउंट है वो हमें क्या करना है, पेड करना है। जैसे 20,000 का मोबाइल था, 3,000 आपके मोबाइल का, पुराने मोबाइल का वैल्यूएशन अगर होता है तो बचे हुए 17,000 हमें पे करने हैं, तो ये क्या हुआ है, पार्टली मनी एंड पार्टली इन गुड्स, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा एज एन मनी कंसिड्रेशन। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हियर मीन्स ओनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स शुड बी देयर फ्रॉम सेलर टू बायर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड सेल, अ मेयर ट्रांसफ़र ऑफ पोजिशन ऑफ गुड्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ सेल, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर मस्ट बी आइदर ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, जस्ट पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है कोई चीज़ का तो ये सेल नहीं कंसिडर किया जाएगा, ओनरशिप है उसका जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है फ्रॉम सेलर टू बायर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है includes sale and agreement to sell. The term contract of sale is a general term and includes both sale and agreement to sell. Sale is an executed contract while agreement to sell is an executory contract. According to section 4 subsection 3, where under a contract of sale, the property in goods is transferred from the seller to buyer,
The contract is called a sale, but where the transfer of property in goods is to take place at future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called as an agreement to sell. ये भी एक essential ingredient है sale of goods में, कि इसमें contract of sale भी included है और agreement to sell भी included है, दोनों चीज़ें इसमें included है। यहाँ पे ये भी define किया गया है कि contract of sale क्या है और agreement to sell क्या है, तो ये section 4 subsection 3 में बताया गया है कि contract of sale the property in goods is transferred from seller to buyer is contract of sale, मतलब अगर seller से buyer को goods ट्रांसफर्ड होते हैं, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। एंड अग्रीमेंट टू सेल क्या है, इन फ्यूचर एट सम फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, मतलब अगर कुछ कंडीशंस इम्पोज किए गए हैं वो कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तभी वो जो गुड्स है प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो ट्रांसफ़र होगी इन फ्यूचर, दैट इज़ कंसिडर एज अ एग्रीमेंट टू सेल। Now here a contract of sale is executed contract and agreement to sell is executory contract, मतलब contract of sale क्या है, executed contract है, already execute हुआ है, और executory contract means what, in future वो execute होगा, तो ये भी यहाँ पे distinguish किए हुई है। हम next videos में difference between contract of sale and agreement to sell भी देखेंगे, यहाँ पे बस आप इतना ही समझ लीजिए कि ingredient essential ingredient है sale के लिए, कि ये इसमें contract of sale और अग्रीमेंट टू सेल दोनों भी इंक्लूडेड है, दैट इज मेंशन इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नो फॉर्मेलिटीज टू बी ऑब्जर्व, विच इज मेंशन इन सेक्शन 5। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, इसमें बताया गया है कि फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व करना नेसेसरी नहीं है, इट मीन्स कि हम प्राइस कभी भी दे सकते हैं, गुड्स का पोजीशन कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के टाइम हम देखते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ जो है रिटर्न होना चाहिए या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि वो फॉर्मेलिटीज़ ऑब्जर्व की जाए, यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है जो सेक्शन 5 में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, आइदर वो एब्सोल्यूट है यानी कोई कंडीशन वहाँ पे इम्पोज नहीं की हुई है, और कंडीशनल मतलब कुछ कंडीशन इम्पोज की हुई होती है तो वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद में ही वो गुड्स ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो गए, दैट इज़ एब्सोल्यूट और कंडीशनल, तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ सेल, बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम और subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell। यहाँ पे हमने definition बताया गया कि दोनों में differentiation क्या है, तो यहाँ पे है कि contract of sale भी included है और agreement to sell भी इसमें included है। contract of sale and agreement to sell इन दोनों concept के बीच में जो भी डिफ्रेंसिएशन है इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसका इन डिटेल डिस्कशन करना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट है फॉर्मेलिटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें फॉर्मेलिटीज़ कौन से ऑब्जर्व करने हैं, कब ऑब्जर्व करने हैं, कब फॉर्मेलिटीज़ ऑब्जर्व नहीं किया तो चलेगा, ये सारा डिस्कशन हमने मेंशन करना है सेक्शन 5 में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं सब सेक्शन 1 में बताया गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर प्राइज एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, द कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइज और बोथ और फॉर डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट और दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड ये कंसेप्ट जो है उसमें ये कहा गया है सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स, मतलब यहाँ पे पहला इंग्रेडिएंट है ऑफर, मुझे कोई गुड्स परचेस करने हैं या मुझे कोई गुड्स बेचने हैं, ऐसे अगर हम ऑफर करते हैं तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल शुरू होता है। तो इस
उसके अंदर प्राइस भी मेंशन की जाती है कि मुझे ये चीज़ इतने रुपयों में बेचनी है, तो प्राइस भी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे आता है कि फॉर अ प्राइस, मतलब हम कोई चीज़ प्राइस के लिए बेचने वाले हैं, वो भी स्पेसिफिकली मेंशन करना ज़रूरी है। नाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, मतलब कि जो भी इनकेस अगर बायर ने बताया है कि मुझे आपका 10,000 में ये मोबाइल मैं ख़रीदना चाहती हूँ, तो अगर ये बायर ने अगर ऑफ़र किया है तो ये सेलर ने एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे ज़रूरी नहीं कि सेलर ने ही यहाँ पे ऑफ़र देना चाहिए करके, यानी यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि फॉर्मेलिटीज़ कैसे होनी चाहिए तो वो लिबरल है। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि सेलर ने ही ऑफ़र करना है, बायर भी ऑफ़र कर सकता है, बट ये ज़रूरी है कि सामने वाली पार्टी ने वो एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी प्राइस मेंशन की है उसी प्राइस पर वो गुड्स बेचने के लिए। अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट डिलीवरी, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स, आइदर हम इमिडिएटली डिलीवर कर सकते हैं या इन फ्यूचर भी वो गुड्स डिलीवर किए जा सकते हैं। अभी प्राइस ले लो, इन फ्यूचर मतलब 4 महीने बाद आप आकर मोबाइल ले जाओ, मतलब क्या किया हमने, पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिलीवरी। इमीडिएट भी कर सकते हैं और पोस्टपोन भी करते हैं। अब नेक्स्ट इन केस ऑफ प्राइस, प्राइस भी हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली पे कर सकते हैं या चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं या इन फ्यूचर सम डेट पे भी हम पे कर सकते हैं। डिलीवरी भी हम इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। मतलब ये जो डिलीवरी एंड प्राइस ऑफ पेमेंट प्राइस है जो, ये हम क्या कर सकते हैं, आइदर इमीडिएटली दे सकते हैं, चाहे तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, या तो हम वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं, इन सब फ्यूचर डेट भी हम कर सकते हैं, यानी ये फॉर्मेलिटीज जो है लिबरल होती है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 स्टेट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन अ फोर्स, मतलब जो भी लॉ टाइमिंग इन फोर्स है, मतलब काल के अनुसार इन्फोर्समेंट में है, वो लॉज कंसिडर करने के बाद में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, अगर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि रिटन में ही होना चाहिए, ये आइदर राइटिंग में हो सकता है या वर्ड्स ऑफ माउथ मतलब ओरली भी किया जा सकता है, या आइदर पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली ओरली भी हो सकता है। इवन इट मे बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब कोई चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, वो चीज़ सामने वाला उठाता है, उसे यूज़ करता है, इट मीन्स कि उसने उसकी ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली है, तो वो उसके लिए पे करेगा इन फ्यूचर में, वॉट एवर जो भी है वो, इट मीन्स दैट इज़ इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो ये भी यहाँ पे वैलिड है। मतलब फॉर्मेलिटीज़ के बारे में हम बताया जाए तो प्राइस, डिलीवरी और उसका फॉर्मेट कैसे है, रिटर्न में होना चाहिए, ओरली भी चलता है, इवन बाय कंडक्ट भी यहाँ पे वो चल जाता है, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 5। नेक्स्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट है दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स। जैसे हमने देखा ही है कि गुड्स होना ज़रूरी है क्योंकि गुड्स का ट्रांजैक्शन ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताया हुआ है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, गुड्स। हमने गुड्स के डेफिनेशन भी देखे हुए हैं ऑलरेडी, इन डिटेल भी हमने सेक्शन 6 में देखने हैं, दैट इज़ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और पजेस्ड बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में बताया हुआ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स होने चाहिए, तो वो गुड्स आइदर एग्जिस्टिंग हो या फ्यूचर भी हो सकते हैं। ओन्ड एंड पजेस्ड, एग्जिस्टिंग क्या है, ओन्ड एंड पजेस्ड बाय द सेलर, मतलब वो पजेस ओनरशिप उसकी सेलर के पास में है एंड पोजेशन भी उसका सेलर के पास में है, दैट इज़ एन एग्जिस्टिंग गुड। फ्यूचर गुड्स इन फ्यूचर बनने वाले हैं, जिसका हमने डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में लिखा हुआ था, वो पढ़ा है हमने अच्छे से। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 है, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच
बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन कॉन्टिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। ये हमने कॉन्टिंजेंट गुड्स के बारे में जब डेफिनेशन देखी थी तब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो गुड्स एक्वायर करना ये डिपेंड होता है किसी कॉन्टिंजेंसी पे, जो हो भी सकती है चीज़ या नहीं भी हो सकती है, तो वो होते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर परपोर्ट्स टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ अ फ्यूचर गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एन अग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स। मतलब अगर कोई सेलर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना करना है विच परपोर्ट्स टू अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, मतलब वो अभी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि 3 महीने बाद जो भी गेहूँ यहाँ पे हमारे खेती में उगने वाला है वो गेहूँ हम आपको बेचेंगे, तो इसके लिए अभी वो पेमेंट ले रहा है, अभी उनका ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहा है, तो वो क्या है फ्यूचर गुड्स के बारे में ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कंसिडर किया जाएगा, ये किया जाएगा कंसिडर एज एन अग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स, इट ऑपरेट्स एज एन अग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि जब गुड्स बनेंगे तब भी वो बेचे जाएंगे, अगर वो गुड्स नहीं बनते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज गुड्स, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले अगर गुड्स क्या होते हैं पेरिश होते हैं, ख़राब होते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, विच इज़ मेंशन अंडर सेक्शन 7, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ़ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम वेन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज्ड एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 7 में ये बताया गया है कि वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स हमने डेफिनेशन देखा हुआ है ऑलरेडी सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में डिफाइन किया है, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ मेड, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना है उसी टाइम पे जो गुड्स स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड किए जाते हैं अग्रीड किए जाते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक गुड्स, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सब्जेक्ट मैटर है स्पेसिफिक गुड्स पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज्ड, अगर वो ख़राब हो जाते हैं एज नो लॉन्गर टू आंसर द डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में तय किए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अभी वो नहीं रह चुके हैं, तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वॉइड होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि अगर इन दिस सिचुएशन, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द स्पेसिफिक गुड्स और गुड्स डैमेज्ड होते हैं या पेरिश्ड होते हैं जिनका डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अब कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। दैट सच गुड्स इफ़ द गुड्स आर सो पेरिश्ड और डैमेज्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तब ये गुड्स ऑलरेडी क्या थे डैमेज हुए थे पेरिश्ड हुए थे, तो इसके बारे में जो सेलर है उसको कोई भी नॉलेज नहीं था, मीन्स दैट दोज गुड्स आर पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज्ड विदाउट नॉलेज ऑफ द सेलर एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड, इन दैट केस the contract is void, so there are requirement that there must be a contract for the specific goods and at the time of making of a contract the seller is not aware about the fact that the goods are perished or damaged that as to no longer to answer their description in the contract at that time the contract is void, kyunki jo contract bana hai वो बनने के पहले ही वो अगर गुड्स ख़राब हो चुके हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके एग्जीक्यूट भी नहीं किया जा सकता है, दैट्स वाई द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। वॉइड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वॉइड वॉइडेबल अवॉइडेबल ऐसे और नन ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो हमें वॉइड ये वर्ड ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पेरिश
or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement. Before the risk passes to buyer, the agreement is thereby avoided. सेक्शन 8 में ये बताया गया है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, मतलब अग्रीमेंट टू सेल बना हुआ है, एग्जैक्ट सेल होने के पहले अगर गुड्स पेरिश होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. सो वेयर देर इज एन अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, हियर देर इज ऑल्सो अग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स. मतलब पहले सेक्शन 7 में था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था, यहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल है. दोनों जगह पे स्पेसिफिक गुड्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं. एंड सब्सिक्वेंटली गुड्स हैव पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज्ड एज नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट. मतलब एग्रीमेंट में जो डिस्क्रिप्शन के हमने स्पेसिफिक गुड्स तय किए थे वो डिस्क्रिप्शन को अब आंसर नहीं दे सकते, मतलब वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अब गुड्स नहीं रहे हैं, वो पेरिश हुए हैं, डैमेज हुए हैं विदाउट द फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर. ना तो इसमें सेलर का फॉल्ट था ना इसमें बायर का फॉल्ट था, फिर भी वो गुड्स क्या हुए हैं, पेरिश हुए हैं, डैमेज हुए हैं. एंड बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, गुड्स के साथ जो रिस्क पास होती है वो रिस्क बायर को पास नहीं हुई हैं, उसके पहले ही अगर गुड्स पेरिश होते हैं तो अग्रीमेंट क्या कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं. अग्रीमेंट इज़ देयर बाय अवॉइडेड, मतलब यहाँ पे अग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि गुड्स पेरिश हुए हैं, डैमेज हुए हैं. यहाँ पे ना तो सेलर का फॉल्ट था ना ही बायर का फॉल्ट था, ये दोनों का फॉल्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किसी का भी फॉल्ट नहीं था और रिस्क पास नहीं हुई थी बायर को. एट दैट टाइम द एग्रीमेंट इज़ देयर बाय अवॉइडेड, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 8. नाउ अगेन नेक्स्ट एसेंशियल इन्ग्रीडियंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज द प्राइज. प्राइज हमने देखा था मनी कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे सेक्शन 9 में बताया गया है असर्टनमेंट ऑफ प्राइज, उसकी कीमत कैसे तय की जाती है, कौन तय करेगा, अगर नहीं तय की तो क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेज डिटेल बताए गए हैं सेक्शन 9 में. नेक्स्ट सेक्शन 9 क्या है, असर्टनमेंट ऑफ प्राइज. द प्राइज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय अग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज. फर्स्टली द प्राइज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों पार्टीज मिल के प्राइज डिसाइड करेंगे. इन केस एक ओप्पो का मोबाइल है तो उसकी प्राइज रहेगी 15,000 रुपये, तो वो क्या हुआ, दोनों पार्टीज ने एज पर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया है कि ये 15,000 का मोबाइल होगा. नेक्स्ट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय अग्रीड, उसका प्राइस जो भी है वो कैसे होगा, मैनर जो प्राइस फिक्सिंग का क्या होगा, पार्टीज़ में अग्रीमेंट हो जाएगा कि यस इस हिसाब से हम प्राइस तय करेंगे, यानी प्राइस फिक्सिंग का मैनर पार्टीज़ जैसे अग्री है उस हिसाब से वो प्राइस फिक्स की जाएगी, चाहे तो थर्ड पार्टी फिक्स करे, चाहे तो जिस दिन भी मार्केट वैल्यू उसकी जितनी हो उस हिसाब से हो, यानी मैनर क्या कर सकते हैं, पार्टीज डिसाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज़, मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन में उन्होंने जो भी तय किया हुआ था उनका मैनर कि अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो ये प्राइस रहेगा, अगर मॉर्निंग में कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं तो उसका ये प्राइस रहता है, इवनिंग में सेम गुड्स अगर परचेस कर रहे हैं तो उसका ये प्राइस होता है, यानी हम अगर सब्ज़ी मंडी में भी जाते हैं तो मॉर्निंग का रेट अलग रहता है, 10-11 बजे का रेट अलग रहता है और शाम में क्योंकि उनको सारा वाइंड अप करना होता है तो तब का रेट अलग होता है, गुड्स सेम रहते तभी भी. मतलब ये क्या है, इन कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज क्या होता है, गुड्स का प्राइस डिटरमाइन किया जा सकता है, दैट इज मेंशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9. नाउ सबसेक्शन 2, वेयर द प्राइज इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजन्स, द बायर शाल पे द सेलर अ रिजनेबल प्राइज. वॉट इज रिजनेबल प्राइज इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडेंट अपॉन ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस. मतलब फोरगोइंग सेक्शन में जो बताया हुआ है, ऊपर जैसे बताया हुआ है कि प्राइज कैसे फिक्स होगी,
तो उस हिसाब से भी अगर प्राइस फिक्स नहीं हुई है तो बायर की ड्यूटी है वो रिजनेबल प्राइस पे करेगा सेलर को। अभी कोई भी चीज़ की रिजनेबल प्राइस क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस की इस चीज़ की इस टाइम पे क्या प्राइस होगी, वो रिजनेबल प्राइस क्या होगी, वो सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर गोल्ड का प्राइस आप गोल्ड परचेस कर रहे हो तो उसका प्राइस सुबह में शाम में और इवनिंग में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो गोल्ड का रेट पर्टिकुलर डेट पे है उसी डेट पे वो प्राइस रिजनेबल प्राइस रहेगा। इन केस कुछ पेरिशेबल थिंग्स है तो उन लोग उसकी उस चीज़ की प्राइस क्या होती है, दिन के हिसाब से भी चेंज हो सकती है, तो वो रिजनेबल प्राइस होनी चाहिए। और वो रिजनेबल प्राइस किसके ऊपर डिपेंड रहती है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड रहती है, दैट इज़ ऑल अबाउट प्राइस। नेक्स्ट है सेक्शन 10, दैट इज़ अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, सबसेक्शन 1, वेयर देयर इज़ एन अग्रीमेंट टू सेल goods on the terms that the price is to be fixed by valuation of third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided, provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay the reasonable price thereof. यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट मेंशन किए हैं, वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब यहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाला है, मतलब अग्रीमेंट टू सेल है, और वहाँ पे एक टर्म मेंशन किया हुआ है कि जो भी प्राइस होगा गुड्स का वो उसका वैल्यूएशन कौन करेगा, थर्ड पार्टी करेगी। इन केस गेहूं है तो गेहूं के प्राइस कौन फिक्स करेगा, थर्ड पार्टी फिक्स करेगी, राइट, दैट इज़ वैल्यूएशन मेड बाय थर्ड पार्टी। एंड इफ़ सच थर्ड पार्टी कैनॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, अगर थर्ड पार्टी क्या है उसने वैल्यूएशन नहीं किया है या वो वैल्यूएशन नहीं कर सकती है वो चीज़ का, तो एग्रीमेंट इज़ देयर बाय अवॉइडेड। यहाँ पे फिर से अवॉइडेड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइडेबल वॉइड ये वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, ये एग्रीमेंट क्या होगा, अवॉइड किया जाएगा, ये आगे जाके एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता है, तो ये अवॉइड किया जाता है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ हैव बीन डिलीवर्ड टू एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द बायर, ही शैल पे अ रिजनेबल प्राइस देयर ऑफ, मतलब गुड्स क्या है ऑलरेडी बायर को डिलीवर्ड किए है, पार्ट ऑफ दैट गुड्स have been already delivered to the buyer or appropriated by the buyer, मतलब buyer ने वो goods क्या किए, appropriate किए, उसको hand over किए गए थे, उसने उसका use किया है, तो वो क्या है, buyer ने उसका use कर चुका है already, तो it is duty of the buyer to pay a reasonable price thereof। यहाँ पे भले third party ने वो price valuation fix नहीं किया है, यहाँ पे अब ये अवॉइडेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है इस चीज़ को, सेक्शन को, कि अगर बायर को गुड्स पार्ट ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं या उसने वो गुड्स अप्रोप्रिएट किए हैं, खुद की ओन यूज़ उसका किया है, तो उसको बायर को सेलर को रिजनेबल प्राइस पे करनी होगी, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 10। नेक्स्ट, वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। मतलब अभी हम ये देख रहे थे कि थर्ड पार्टी ने उस चीज़ का वैल्यूएशन करना है, उसकी प्राइस फिक्स करनी है, और अगर थर्ड पार्टी उसकी प्राइस फिक्स नहीं कर पा रही है बिकॉज वो क्या है, प्रिवेंट की जा रही है, थर्ड पार्टी को क्या किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है कि वो उस चीज़ का वैल्यूएशन ना करे, और ये प्रिवेंशन कैसे हो रहा है, ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द आइदर बायर और द सेलर, मतलब या तो बायर की फॉल्ट की वजह से प्रिवेंट हो रहा है या सेलर की फॉल्ट की वजह से थर्ड पार्टी वो प्राइस वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है। तो जो पार्टी फॉल्ट में नहीं है, यानी जिसका फॉल्ट नहीं था वो प्रिवेंट करने में, वो पार्टी क्या कर सकती है, जो पार्टी फॉल्ट में है उसके अगेंस्ट सूट फॉर डैमेज फाइल कर सकती है।
तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इनके सेलर का फॉल्ट है तो बायर हैव अ राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट सेलर, एंड इनकेस बायर का फॉल्ट है तो सेलर हैज़ राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बायर फॉर सच फॉल्ट, क्योंकि उसी फॉल्ट की वजह से थर्ड पार्टी जो है प्राइस वैल्यूएशन फिक्स नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए अग्रीमेंट क्या होता है, अवॉइडेड होता है। तो ये अग्रीमेंट अवॉइडिंग होने की वजह से जो भी उसको डैमेजेस हो सकते हैं वो डैमेजेस के लिए वो फाइल सूट फाइल कर सकता है। दैट इज़ वेयर सच थर्ड पार्टी इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। तो ये थे प्रोविजंस रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, अग्रीमेंट टू सेल क्या है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें हमने ये देखा है कि ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें गुड्स होने चाहिए और गुड्स के काइंड्स भी बताए हैं, जैसे स्पेसिफिक गुड्स है, फ्यूचर गुड्स है, कॉन्टिंजेंट गुड्स है, ये भी हमने देखा, मनी कंसिडरेशन दैट इज़ ऑल अबाउट प्राइस, ये भी हमने देखा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज़ जनरल ट्रांसफ़र, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं, ये भी देखा हमने, इंक्लूड सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, सेल ऑफ गुड्स में ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती है, फॉर्मेलिटीज़ टू बी ऑब्जर्व, कोई फॉर्मेलिटी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, उसका डिलीवरी प्राइस ये पोस्टपोन किया जा सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, पार्टली ओरल पार्ट भी रिटर्न हो सकता है, दोनों चीज़ों के बीच में ड्यू डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इन डिटेल देखा हमने सेक्शन 5 से लेकर 10 तक की फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड ये भी बताया गया है, सब्जेक्ट मैटर दैट इज़ गुड्स ये बताया गया है, गुड्स अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले पेरिश होते हैं तो ये वॉइड होगा, अग्रीमेंट टू सेल के बाद में बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले अगर गुड्स पेरिश होते हैं तो ये अवॉइडेड होगा, प्राइस थर्ड पार्टी अगर प्राइस फिक्सिंग ऑफ प्राइस, ये भी हमने देखा कि 3 इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं कि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हो सकता है, अगेन मैनर जो भी है वो पार्टीज अग्री कर सकते हैं कि किस मैनर में प्राइस फिक्स होगा, और थर्ड बताया गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग डिटरमाइन किया जा सकता है, और इनके थर्ड पार्टी ने अगर प्राइस फिक्स करना है और अगर वो नहीं करता है तो ये अवॉइडेड होगा, और इन केस उसको पार्ट डिलीवरी हुई है या अप्रोप्रिएट किया है बायर ने तो उसको रिजनेबल प्राइस पे करना होगा, ये सारे चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर नंबर 2। आगे के जो चैप्टर्स है उसमें हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाकी के प्रोविजंस भी देखेंगे। लास्टली हम एक प्रैक्टिस सेशन रखने वाले हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और आपको उसका आंसर नोट डाउन करना है, और लास्टली आपको आपका स्कोर भी पता चलेगा कि आपने कौन से कितने आंसर का सवाल दिया हुआ है सही से। तो ये सीरीज़ देखते रही है, लास्टली आपको ये क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर में भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक माई वीडियोज़ इफ़ यू रियली लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।